वाह जी, हमारी चटनी बना के खुद कबाब उड़ा। कल तो बड़े दावे कर रहा था कोई। तुम्हारी इज्जत के ख्याल से चुप हूँ वरना। वरना क्या? वरना सारी दुनिया को बता चुका होता कि निकाह कर चुका हूँ तुम्हारे साथ। तेरा तर जावे, कहा ले गया जलेबी चुके? अभी कहा तो ना कहे ना मुझे। और मुझे जलेबी? तू जलेबी की तरह कितनी सीधी है पता लग गया है, बताती हूँ तुझे। अब क्या होगा? पता तो लगना ही था ना। ऐसे अल्लाह, एक फाइल ने पूरे टब्बर को फाइल लगाया हुआ है, नहीं मिली ना। आगे वकील साहब? नहीं। तो गेट पे कौन था? असफी था, अब्बा मियां का पूछने आया था। देख ले मानो, ये अब अम्मा अब्बा के चक्कर में ना सुबह शाम हम लोगों ने जलील होना, अच्छे खासे दूर बैठे थे शरीकों से। लेकिन अब्बा मियां वहीं पे तो गए थे ना बेटो, आपके ससुरालियों से मिलने। बला से जहां भी गए तू फाइल ढूंढ है, वरना तेरे प्यो ने ना एक बुरकी हमारे ना गले से नीचे नहीं उतरने देनी है। ये तो नहीं है, देख यही होगी, खोल के देख। क्या हुआ है, क्या देख लिया है, है? नशाई डड्डू जैसी शक्ल क्यों बना ली है? ये तो लेका नाम है इसका, कुकु मामू और बिट्टू आपा का। हाय मैं मर गई बेड़ा तार चाहे। हाय कुकु तेरा कख ना रहे। ओ मेरे खुदाया, ला डेट देख कब चढ़ा है ये चालू उसने। ये नहीं हो सकता, डेट तो कल की है। हाय मैं तभी कहूँ, मेरी खब्बी आ कल से ही फड़क रही थी, ऐसे नहीं झुमकों के साथ ठुमके लग रहे थे। ये कुकु के तो मैंने ऐसे गिट्टे सेकने ना ये याद करेगा। इसमें तो अब्बा मियाँ की भी साइन है। लो जी पूरे खानदान ने मिलके मेरे खिलाफ साजिश की है। हक मेरे देखा आपने? ना बता दे मुझको, तेरे मामे ने खोता खूह में डाल दिया होगा। अपनी पूरी जायदाद उनके नाम पे कर दी है। भाई मानो सब कुछ है। मौसी 60 बजी थी कुकू के सर में, जो बड़ी बहन से पूछे बगैर उसने जुर्रत की इतना बड़ा फैसला करने की। गवाहों के नाम जरा सुन ले। बता दे कौन है खाते का गवाह डड्डू, बता। गौहर, फराज भाई और असफन। देख लो इन सब ने मिल के निकाह वाली पोली पोली टोलकी बजाई है, ये सारे खचरे मिले हुए थे। देखना मानो मैंने इस पूरे खानदान का ऐसा मकूट ठपना है ना कि इन्होंने याद करना है। दे दे मुझे। असफन चूना लगा गया मुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं।